हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ रिएक्शंस देख लिए थे किसके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोसाइनाइड व साइनाइड, उसके नामकरण देखेंगे और रिएक्शंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। साइनाइड व आइसोसाइनाइड, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है इनका नॉमेनक्लेचर, इनका नामकरण। ठीक है, तो नामकरण में हम सामान्य नाम देखने वाले हैं और आईयूपीएसी नाम भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नामकरण। ठीक है, ये देखिए, ये कंपाउंड नंबर वन है। कंपाउंड नंबर वन को देखेंगे अगर, तो आप देख पाएंगे कि इसमें अगर सामान्य नाम की बात करें तो आपको दिख रहा होगा मिथाइल ग्रुप, और ये जो CN है, CN को आपको पता है कि साइनाइड बोलते हैं सामान्य तौर पे। ठीक है, सामान्य नाम इसका साइनाइड है, पर IUPAC नेम जो है इस CN का, उसको बोलते हैं नाइट्राइल। ठीक है, तो समझ में आया, साइनाइड CN को कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते, साइनाइड कहते हैं, लेकिन सामान्य में सामान्य नाम, जैसे आपका एक घर का नाम और एक बाहर का नाम, मतलब स्कूल का नाम होता है, घर में आपको घर पे कोई किसी को टिंकू पिंकू ऐसे नाम से बुलाया जाता है, और बाहर का नाम किसी का कुछ और होता है। तो उसी प्रकार से साइनाइड का जो सामान्य नाम है ये मतलब CN का जो सामान्य नाम है वो है साइनाइड, और नाइट्राइल इसका IUPAC नाम घोषित किया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। फर्स्ट कंपाउंड देखिए, फर्स्ट कंपाउंड का सामान्य नाम हम देखने वाले हैं, तो ये CH3 ग्रुप को कहते हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक है, मेथिल, मेथिल ग्रुप। ठीक है, मिथिल कहिए या मिथाइल कहिए, तो मेथिल ग्रुप कहते हैं, और इस CN को कहते हैं साइनाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल साइनाइड। ठीक है, अभी हम सबका सामान्य नाम देख रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसको कहते हैं एथिल ग्रुप। क्यों दो एथिल? क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड एथ आता है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट के लिए बात करेंगे तो हम बोलते हैं एथिल। ठीक है, तो दो कार्बन है इसलिए एथिल ग्रुप, और ये हो गया साइनाइड ग्रुप, तो हो गया एथिल साइनाइड। ठीक है, क्लियर है। थर्ड देखिए, थर्ड में एक दो तीन, तीन कार्बन की चेन है, और सेकेंड पोजिशन पे क्या लगा हुआ है? CN ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम, जो जनरल नाम है, वो हो जाएगा आइसोसाइनाइड, आइसोप्रोपिल साइनाइड। ठीक है, आइसोप्रोपिल, प्रोपिल क्यों? क्योंकि एक दो तीन, तीन कार्बन है, और तीन कार्बन के लिए क्या आता है रूट वर्ड? प्रोप आता है, तो इसीलिए इसका नाम। और ये आइसो ग्रुप, ये देखिए, इसका इस ऐसे इस सेंटर पर, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, और यहां पर बीच में कार्बन है, और इस बीच वाले कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ है, XYZ कुछ भी लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को पता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कई बार कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल ग्रुप कहते हैं। तो ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल साइनाइड ग्रुप। ठीक है, समझ में आया। फोर्थ कंपाउंड देखिए, फोर्थ कंपाउंड बिल्कुल इस तरीके से है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है? CN आपको दिख रहा होगा, और यहाँ कैसे बॉन्डिंग है, मतलब यहाँ पर कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है, मतलब NC को कहते हैं, CN को क्या कहते हैं? साइनाइड, और NC को क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ये सामान्य नाम हो गया आइसोसाइनाइड, लेकिन इसका IUPAC नेम हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस जहां पर साइनाइड बोल रहे हैं सामान्य नाम में, वहां पर नाइट्राइल बोल रहे हैं कहां? IUPAC नाम में। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान है ना। तो अब देखिए, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? CH3NC जो है ये जाना जाएगा मेथिल आइसो साइनाइड नाम से। ठीक है, मेथिल आइसो साइनाइड। ये आइसो जो आइसो है, यहाँ पर आइसो प्रोपिल वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आइसो हमने आइसो साइनाइड बोला है, ना कि आइसो मेथिल बोला है। ठीक है, आइसो मतलब रूट, मतलब जो चेन है, चेन के आगे लगाएंगे अगर आइसो, तो आपको समझना है कि ये स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के आगे आइसो लगा है तो इसका मतलब ये है कि बॉन्डिंग में, मतलब बॉन्डिंग में कुछ अंतर यानी चेंज हुआ है स्ट्रक्चर में। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आसान है। अब आप ये कंपाउंड देखिए, पांचवा कंपाउंड देखिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान ग्रुप है, आसान नॉमेनक्लेचर इसका भी, जैसे हमने किया था थर्ड में, वैसे ही देखिए, एक एक दो तीन, और ऐसे ये मेन चेन है, तो ये तीन कार्बन की चेन हो गई, इसीलिए प्रोपिल आएगा, और
क्योंकि सेकेंड कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसलिए आइसोप्रोपिल इस चेन का नाम है। नॉमेनक्लेचर में जो सामान्य नाम है आप देख पाएंगे कि ये किस क्या है, आइसोप्रोपिल है, ठीक है। और ये कंपाउंड, ये जो एनसी लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको भी आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा अगर आपको पहले केस में कंफ्यूजन आया होगा तो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल कार्बिल अमीन, आइसोप्रोपिल कार्बिल अमीन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस कंपाउंड को देखिए, छठवें कंपाउंड को, इसमें बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है एनसी ग्रुप, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड सीएस। ये जो है, ये जो रिंग है इसका नाम फेनिल है और आइसोसाइनाइड तो ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है, तो इसलिए कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब आईयूपीएसी नाम देखिए, आईयूपीएसी नाम देखिए। अब आप देखिए CH3 है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन है, लेकिन देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है ना इसमें भी कार्बन है ना, फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें भी कार्बन है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन नहीं माना जाएगा, हमें इसको भी नंबर, इसको भी चेन में शामिल करना होगा। तो पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन ये होगा, तो आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए हम क्या रूट वर्ड यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं, है ना, एथ यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एथेन नाइट्राइल। समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान देने की बात है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमने सामान्य नाम लिखा था तो हमने इस CN को पूरा बाहर निकाला, अलग रखा था, इसको चेन में शामिल मतलब नहीं किया था, इसके कार्बन को चेन में हमने शामिल नहीं किया था, इसीलिए तो देखिए यहाँ पर हमने एक कार्बन माना और मैथिल लिखा। एक कार्बन के लिए तो मैथ आता है, रूट वर्ड आता है ना एक कार्बन के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम जो सामान्य नाम हमने लिखा है उसमें हमने CN को अलग रखा हुआ था, लेकिन जब हम IUPAC नाम नॉमिनेचर कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट रूल यही क्या है कि सबसे लंबी चेन होनी चाहिए, किसकी, कार्बन की। तो कार्बन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये वाला कार्बन भी चेन में काउंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ इस कंपाउंड में दो कार्बन मिल जाएंगे, जिसकी वजह से रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, ठीक है। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आएगा, तो एथेन, और जो जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम क्या है, नाइट्राइल, तो एथेन नाइट्राइल, ठीक है। समझ में आया। अब सेकंड देखिए, सेकंड में एक दो और तीन, तीन चेन कार्बन हो जाएंगे, तीन कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन और नाइट्राइल तो फंक्शनल ग्रुप का नाम है तो वो तो लगाना ही है। इसी प्रकार से देखिए, अब आप कौन सा लेंगे, मतलब कौन से चेन लेंगे, तो देखिए हमें वो चेन लेनी है, दूसरा रूल आईयूपीएसी का, कौन क्या रूल कहता है कि हमें वो सबसे लंबी चेन लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता हो, ठीक है। तो इस चेन में, इस चेन में अगर हम ये चेन लेते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो नहीं आएगा, है ना। अगर हम ये चेन लेते हैं 1 2 3 ये वाली चेन लें तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, तो ये वाला चेन नहीं लेंगे हम, लेंगे 1 2 और 3, ये चेन हमारी सही, और ये हो जाएगा हमारा क्या, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच को हम कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं, तो हमने लिख लिया 2-methyl-propane-nitrile। प्रोपेन क्यों, 1 2 3 तीन तीन आया, तीन कार्बन की चेन बन रही है, तो उसके लिए क्या होता है, प्रोप होता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, और नाइट्राइल तो हमें फंक्शनल ग्रुप का नाम ही लगाना ही है ना। इसी प्रकार से क्या होगा, जैसे हमने पहले वाले केस में किया, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो कार्बन, यहाँ पर दो कार्बन नहीं है, देखना होगा, यहाँ पर दो कार्बन नहीं है, क्यों, क्योंकि चेन में जो नाइट्रोजन है ना उसने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया है, देखिए इसने ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है, एन ये है सी ट्रिपल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन ने CH3 से बॉन्ड बनाया, कार्बन से बॉन्ड बनाया, तो हमें सबसे लंबी चेन किसकी लेनी होती है, कार्बन की, तो ये काउंट नहीं होगा, यहाँ से ही काउंट करेंगे। समझ में आया, तो इस यहाँ पर एक कार्बन मिलेगा, समझ में आया, बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एक कार्बन है, ऊपर वाले केस में कितने कार्बन थे, दो कार्बन थे, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथेन
आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या जाएगा, मीथेन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, अब इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में हमें यही चेन लेनी है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसमें कार्बन नहीं ना इन्वॉल्व है, तो कार्बन को हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है, कार्बन को हम नहीं लेंगे। नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रॉप, सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है आइसोनाइट्राइल, तो सेकेंड 2 पे आइसोनाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन 2 आइसोनाइट्राइल, ठीक है, नाम हो जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, तो बेंजीन और क्या लगा हुआ, आइसोसाइन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, आइसोनाइट्राइल हमने लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब हम देखने वाले हैं साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि देखने वाले। तो सबसे पहला कंपाउंड, सबसे पहला रिएक्शन जिससे हम बना सकते हैं, तो वो है एल्किल हैलाइड से हम बना सकते हैं क्या, आइसोसाइनाइड व साइनाइड। तो हम सबसे पहले देखिए रिएक्शन कर रहे हैं आरएक्स का, मतलब एल्किल हैलाइड का, किससे, केसीएन से, केसीएन से। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सीएन माइनस होता है, के प्लस होता है, अटैक करेगा आर पर और यहाँ से एक्स निकल जाएगा एक्स माइनस के रूप में, तो यहाँ पर बन जाएगा आर सी एन। ये हो गया हमारा क्या, साइनाइड। ठीक है, एल्किल साइनाइड बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक और रिएक्शन केसीएन की जगह पे हम ले सकते हैं एजीसीएन, AgCN यूज कर सकते हैं और बनेगा हमारा बनेगा आर एक्स से हमने अटैक करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर Ag प्लस और CN माइनस में नाइट्रोजन जो है वो अटैक करता है एल्किल ग्रुप पे और यहाँ से X माइनस बाहर और बन जाता है RNC। ये हो गया हमारा नाइट्राइल और ये हो गया हमारा आइसोनाइट्राइल। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया हमारा नाइट्राइल और ये हो गया हमारा क्या, आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन। अब ये हमने देख लिया किससे, किससे, एल्किल हैलाइड से। ठीक है, अब सेकेंड देखिए किससे होता है रिएक्शन, अमाइड से करवा के देख सकते हैं। अमाइड से हम बना सकते हैं क्या, हमारा एल्किल एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड, या क्या बोल सकते हैं, एल्किल नाइट्राइल और एल्किल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखिए कैसे बना सकते हैं, तो अमाइड से, तो अमाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2, इस कंपाउंड को हम कहते हैं अमाइड। ठीक है, अमाइड का रिएक्शन अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको P2O5 को कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का के प्रेजेंस में, मतलब अगर अमाइड का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाएं, मतलब इन दोनों का रिएक्शन करवाएं, तो क्या हमें मिलता है, RCN मिल जाता है। ठीक है, ये इसका अपचयन करा देता है, समझ लीजिए एक प्रकार से रिडक्शन करवा देता है। ठीक है, समझ में आया। अब थर्ड रिएक्शन देख सकते हैं, थर्ड रिएक्शन क्या होता है, थर्ड रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको जस्ट एक सेकेंड में बताती हूँ कैसे होता है। ठीक है, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज दे देती हूँ और आपको लिखाती हूँ। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका रिएक्शन करवाना है आपको अमोनिया से। NH3 क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और CO बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड है। मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि जो CO बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। क्या करता है, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाता है और डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है कार्बन पर, है ना। क्या होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करता है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। किस प्रकार से, तो देखिए R इस प्रकार से आ जाता है, R C O पर आ जाता है माइनस और आ जाता है यहां पर OH पहले से था और अटैच हो जाता है N और अटैच हो जाता है क्या, N N से लगा होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि NH3 यूज किया था ना हमने। और देखिए नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन टूटेगा और यहाँ पर आर सी ओ एच, ठीक है, आर सी ओ एच और फिर क्या बन जाएगा,
ओ माइनस और यहां पर हो जाएगा एन एच टू, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन यहां से निकला ना वो इस ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज, आप सोच रहे होंगे कि मैंने नेगेटिव चार्ज पर हाइड्रोजन क्यों नहीं दिया, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज अगर रिटर्न होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर निकल रहा है, वाटर होता है अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है, और बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जब इसका फिर से, जैसे पिछले रिएक्शन में हमने देखा था P2O5 से हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन करवा देंगे और हमें मिल जाएगा क्या, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यानी हमें क्या मिल गया, साइनाइड, ठीक है, क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे जो मैंने बताया कि O माइनस पर हमने क्यों नहीं हाइड्रोजन दिया, तो आप देखिए सी ओ एच था, ठीक है, ओ एच था, ये O था और इस पर माइनस चार्ज था और ये NH2 ग्रुप था, ठीक है। हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पर देते हैं, H प्लस यहाँ पर देते हैं, नो डाउट नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, हाइड्रोजन को इस पर आना चाहिए था। फिर क्या होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी कार्बन पर दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन दो दो अगर लगाएंगे, दो दो अगर इलेक्ट्रॉन, दो दो जैसे दो दो ऑक्सीजन लगाएंगे ना, तो क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगेगा, रिपल्शन, मतलब एक दूसरे से ये लोग दूरी बनाने लगेंगे, जिसकी वजह से मतलब दूर करने लगेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा ना, ये मॉलिक्यूल जो है वो हो जाएगा अस्थाई, ठीक है, अस्थाई हो जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ही क्या होता है इस केस में कि ऑक्सीजन पर ना जाकर वाटर मॉलिक्यूल में जो मतलब जो OH है ना, इसके लोन पेयर पर H प्लस चला जाता है। जब इस पर H प्लस चला जाता है तो ये बन जाता है क्या, लिविंग ग्रुप H2O प्लस। जैसे ही ये बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन मतलब वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ये रिलीज हो जाता है, जिसके वजह से समझ रहे क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वाटर बहुत ही स्थायी कंपाउंड है, बहुत ही, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वाटर हर जगह मिलता है, तो समझ रहे हैं आप कितना ज्यादा वो स्थायी होगा, तभी वो हर जगह आसानी से मिल जाता है। समझ में आया कि मैंने आपको ऐसा क्यों करा था, इसका रीजन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था रिएक्शन, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्शन था। अब आप चौथा रिएक्शन देखिए, जो कि हम बनाने के लिए यूज करते हैं क्या, साइनाइड को, वो है RMGX से, ठीक है, क्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें लेना है RMGX ले लेना है, और साथ में हमें लेना है साइनोजन क्लोराइड। साइनोजन क्लोराइड क्या होता है, जब CN और CL जुड़े होते हैं, इसी कंपाउंड को हम कहते हैं साइनोजन क्लोराइड, ठीक है। साइनोजन क्लोराइड लेना है, और आपको पता है कि RMGX में से क्या निकलता है, R- निकलता है। R- क्या करेगा, CN पर अटैक कर देगा, CL यहां से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा और बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। N और C के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होता ही है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, साइनाइड, और निकल क्या जाएगा, RMGX तो था ही, साथ में और क्या निकलेगा, CL, ठीक है, क्लियर है। ये रिएक्शन हो गया हमारा चौथा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल अमीन अभिक्रिया से बना सकते हैं हम क्या, साइनाइड। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या होती है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप देखिए कार्बिल अमीन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, हमें लेना है क्या, RNH2, एक अमीन लेना है, इसका रिएक्शन करवाना है हमें CHCl3 से और KOH मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम, क्षारीय मीडियम होना चाहिए, ठीक है। जब आप अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं और बेस के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, RNC का फॉर्मेशन होता है।
KCl निकलता है और तीन वाटर मॉलिक्यूल भी निकलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कार्बिल अमीन ही इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है जो है इस अल्किल आइसोसाइनाइड या फिर अल्किल आइसोनाइट्राइल आप कह सकते हैं। इस कंपाउंड को कार्बिल अमीन भी कहा जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन में करना कुछ नहीं था, हमें लेना था अमीन, अमीन के साथ लेना था क्लोरोफॉर्म और लेना था 3 मोल ऑफ KOH, ठीक है। 3 मोल KOH के लेने थे और निकलता क्या है, 3 मोल KCl और 3 मोल वाटर का निकल जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कार्बिल अमीन यानी अल्किल आइसोसाइनाइड का, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था, ठीक है। हेलो वेलकम, अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।